अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। राज्यसभा के सांसद हर छठे साल संसद को अलविदा कह देते हैं। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो कल आया फिर विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर संसद पहुंचते हैं। उन्हीं में से एक सांसद थी जयश्री, जो कांग्रेस से नामित होकर के संसद पहुंची थी। देखिए अपनी आखिरी फेयरवेल स्पीच पर उन्होंने किस तरीके से सदन में अपनी बात रखी। कई बार वह जोर से हंसी तो कई बार उनके लिए भावुक कर देने वाला पल भी सामने आया। जयश्री, थैंक यू वेरी मच सर। आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक। इट्स वेरी emotional moment. I would like to thanks first of all to Bharat Sarkar and Sonia ji to nominate me as a member of parliament to the Rajya Sabha. Basically I'm an artist, I'm a performer. I don't know anything about the politics. I was shivering when I came here to see such a eminent personality. I don't know what to do, and रोमे खड़े उठे सब लोगों को देखते, कहाँ आकर मैं खड़े हो गए इतने बड़े लोगों के बीच, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसी सोच में, इसी भय में शायद मैं 6 साल गुजर गए। फिर भी 6 साल गुजरने के बाद भी सोच रही थी, मैंने कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव की। इतनी बड़े बड़े लोग क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या शब्दों से बात करते हैं। सच्ची, इट हैज एनहांस्ड माय knowledge, and I think I'm standing here and I'm speaking in English. I'm so glad, and itna dhairya aa gaya yahan aane ke baad, kyunki theater mein kaam karne se kehte hain vyaktitva bada hota hai, ek vyaktitva aa jata hai, ek manaviyata aa jata hai, lekin yahan aane ke baad बहुत कुछ सीखा। प्लीज सब लोग मुझे मिस कीजिए। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। लेकिन एक विनती है, हम आर्टिस्ट लोग हैं, यहाँ आते हैं सर, मुझे जाके फैमिली और हेल्थ कमिटी में डाल दिया है मुझे। मैं कुछ नहीं जानती, पहले तो पॉलिटिक्स तो कुछ नहीं जानती, उसके बीच में से वो भी कुछ नहीं जानती। कम से कम हम लोगों को कल्चर में अगर डालते हैं तो कुछ कुछ सेवा कर सकते हैं। हम भी कल्चर के लिए कुछ सेवा करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ तो बात करने के लिए तो हमें समय भी नहीं देते आप। माफ़ कीजिएगा, मतलब समय नहीं होता है यहाँ पे हमें बात करने के लिए। फिर भी कम से कम वहाँ अगर हमें कुछ स्थान देते तो हम कुछ कर सकते हैं। फिर भी यहाँ बात भी नहीं की कर सकते हम लोग, लेकिन काम तो कर सकते हैं। कहकर अपनी एमपी काम ने मैंने बहुत कुछ किया, ये कहने में मुझे बहुत गर्व है कि देश के लिए मैंने कुछ करने की मौका मिली यहाँ आने के बाद। सिर्फ अपनी कर्नाटक में नहीं, पूरा भारत मेरा है, ऐसे नॉमिनेशन है मुझे। तो ये सच्ची मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोगों को देख के सुनकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शरण शरणार्थ, थैंक यू जयश्री। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।